हेलो बच्चों, आज हम हिंदी वर्णमाला के स्वर लिखना सीखेंगे। हिंदी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं, ठीक है, स्वर पोर्शन जो है सिर्फ उसको अपन आज लिखना सीखेंगे। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के स्वर हो गए। पहला हो गया, देखो उसके लिए आपको क्या करना है, आधा सर्किल बनाना है इस तरीके से और इस तरीके से दो बार अटैच कर देना है, एक बार इसके बीच में डंडी आड़ी और एक खड़ी डंडी, ठीक है, और इसको मिला देना। ये सब में सेम रहेगा ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये हो गया छोटा। छोटा से क्या बनता है, अनार, बनने वाला वर्ड है, हजारों वर्ड बनते हैं, अपन फॉर एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं। अभी आ गया सेम ऐसे ही है, ठीक है, ये दो आधे सर्किल हो गए या तीन कच्चर समझ सकते हो, एक आड़ी डंडी इसमें, एक खड़ी डंडी, एक ये हो गया और एक और खड़ी डंडी हो गई इसमें, ठीक है, ये हो गया बड़ा। इससे होता है बड़ा से आम, ओके। अभी अपन देखते हैं ये खड़ी डंडी छोटी सी, उल्टा आधा इधर, उल्टा आधा और ये नीचे गुंडी, ये हो गया छोटी ई, ठीक है, जिस तरीके से सी बनाती है वैसे ये बना दिया और उल्टा सी, ठीक है, जैसे इस तरीके से इसमें बनाया था। छोटी ई से क्या होता है, इमली, ओके। अभी अपन देखते हैं सेम बनेगा, छोटी डंडी खड़ी, आधा सर्किल, ये उल्टा आधा सर्किल, ये नीचे गुंडी दे दी इसमें, ये डंडी खींच दी आड़ी जो सब में खिंचनी है, ठीक है, और उसके ऊपर ये आधा सर्किल, ये हो गया बड़ी। बड़ी से क्या होता है, ईख, ओके। अभी क्या करना है, सेम तीन के अक्षर की तरह है पर छोटे आ की तरह, छोटा हो ये डंडी खींच देनी है, बस बन गया आपका उल्लू, छोटा ऊ से उल्लू, ये छोटा ऊ हो गया आपका। इस तरीके से बड़ा ऊ सेम तीन का अक्षर बनाओ या पर दो आधे सर्किल एक साइड से बिल्कुल एकदम, है ना, और ये कर दिया, ठीक है, एक बिल्कुल तिरछा मतलब नीचे मुंह करता हुआ जो है आधा सर्किल बनाना है और आपको ये मिला देना। ये क्या हुआ, छोटा ऊ से बड़ा ऊ से क्या हो गया, ऊन, ठीक है। अभी क्या है, छोटी ए, छोटी ए के लिए ये तिरछा डंडी से खींचनी है, तिरछी डंडी, और इधर से ये डंडी जो उल्टी साइड में थोड़ी तिरछी ऊपर की साइड में, और ये डंडी जो है मिला देनी है, ठीक है, ये हो गया एडी, ठीक है। अभी अपन देख लेते हैं बड़ी ए, बड़ी ए में क्या होगा, ये वही तिरछी डंडी, ये ऊपर उल्टी साइड में तिरछी डंडी लेकिन ऊपर तक रखनी है, वो जहां से तिरछी स्टार्ट हो रही है, यहां से तिरछी स्टार्ट हो रही है यहीं तक रखनी है, और ऊपर एक ये गुंडी लगाते हुए डंडी, तिरछी डंडी, ये हो गया बड़ी ए से ऐनक, ये हो गया बड़ी ए से ऐनक। अभी देखते हैं छोटा हो, छोटा हो में सेम आ की तरह बना, तीन का अक्षर है, दो आधे सर्किल, ये क्या, ये बीच में वीडियो बंद हो गई थी तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ ब्लर हो सकती है, ठीक है। ये बढ़ाओ, बढ़ाओ के लिए क्या करना, सेम मात्रा जो ए में लगाई थी, ये में बड़ी ए में जो मात्रा लगी थी ना, ये वाली जो मात्रा लगी थी सेम इस तरीके से इसमें लगानी है और ये मिला देना है, ठीक है। तो ये इसकी तरह हो गया, या फिर अगर देखो तो बिल्कुल इसकी तरह एज इट इज़ है, इसमें एक मात्रा ऐड हो गई, ठीक है। बड़ी ओ से छोटी ओ से क्या, ओखली, जिसे घर में खल्लड़ भी बोला जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है, अलग अलग जगह। ये स्टोरेज इश्यूज की वजह से वीडियो बार बार बंद हो जा रही है, मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ आप एक बार आपको। ये क्या है, सेम बड़ा की तरह बनाना है आपको, पहले बड़ा के बन गया, दो मात्रा लग गई इस पर, ठीक है। दो मात्रा लगने के बाद ये आपका बड़ा कंप्लीट है, और बड़ा से क्या होता है, औरत, ठीक है। अगला आता है अंग, अंग धीरे धीरे करके बना देता हूँ, सॉरी, ये हो गया तीन की तरह, ये आड़ी डंडी, ये खड़ी डंडी और ये बना दी। अब ये क्या, बिंदी रख देनी है, किस पर बिंदी, ये बन गया अंग से अंगूर, ठीक है। गह कैसे बनेगा, अंग गह है, ये सेम आ बनाना है पहले आपको, ये आ बन गया, ठीक है, इस पर दो बिंदी यहाँ रख देनी है आपको, ये गह खाली होता है, ठीक है। ये आपका हिंदी वर्णमाला कंप्लीट हुई, एक बार फिर से अपन देख लेते हैं इसको। ये छोटा,
छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, छोटी से एड़ी, बड़ी से ऐनक, छोटा उसे ओखली, बड़े उसे औरत, अंग से अंगूर, घे खाली। ओके बच्चों, आपकी हिंदी वर्णमाला के स्वर कंप्लीट हुए। थैंक यू।